नमस्कार, वेलकम टू सक्सेस मंच। मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ सक्सेस मंच पर लेकर जीएस स्टडी पेपर 1 का पॉइंट नंबर 11 का आगे का पार्ट। तो अब तक हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की बात की थी और उसके बाद हमने अर्थक्वेक चैप्टर को भी लिया था और उसके डेफिनेशन से लेकर डिज़ास्टर मैनेजमेंट तक काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने कवर किए थे। तो आप अगर वो वीडियो रेफ़र करना चाहते हैं तो सक्सेस मंच को सब्सक्राइब कीजिए और आप जीएस स्टडी जनरल स्टडी पेपर 1 के जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ज्योग्राफी का ये पार्ट मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी हिंदी में टर्म्स की दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी हिंदी में भी। बट पूरा लेक्चर हिंदी में देना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि टाइम का थोड़ा सा अभाव रहता है और वर्किंग होने के नाते ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन आशा है आपको समझाने का जो तरीका है वो पसंद आ रहा होगा क्योंकि मैं वीडियोस और अलग तरह के रिसोर्सेज का यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में लिख सकते हैं और एग्जामिनर यही चाहता है कि आप अपना जो आंसर है वो अपने शब्दों में लिखें। और जब आप अपने शब्दों में लिखते हैं तो कॉपीड नहीं लगता है वो, और एग्जामिनर अच्छे से समझ सकता है, उसको पता होता है कि क्या कॉपीड है और क्या नहीं कॉपीड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने अर्थक्वेक कवर कर लिया था तो अब हम सुनामी पर बात करेंगे। सुनामी के बारे में हमारा ये पार्ट 1 है। अब मैं ये कवर करूँगी कि सुनामी में क्या क्या पॉइंट्स हम कवर करेंगे। तो सुनामी में हमारा डेफिनेशन आएगा, एंड देन कॉजेज ऑफ सुनामी, ये हम कॉजेज ऑफ सुनामी करेंगे, एंड देन सुनामी के जोन्स करेंगे जो डेंजर जोन में आता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही हम पढ़ेंगे ये तीनों पार्ट्स, यानी कि डेफिनेशन, कॉजेज एंड सुनामी जोन्स। ये जो बाकी पार्ट है वो हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि सुनामी की डेफिनेशन क्या है। सुनामी हम सब जानते हैं कि जापानीज वर्ड सू से मिलकर बना है, सू प्लस नामी। सू मतलब हार्बर एंड नामी मतलब वेव्स। तो हम कह सकते हैं कि हार्बर वेव्स को हम सुनामी कहते हैं। अब आप देख सकते हैं ये है सू प्लस नामी, ये जापानीज टर्म है, इसको हार्बर वेव्स भी कहते हैं। अब सुनामी में होता क्या है? सुनामी में सीरीज ऑफ वाटर वेव्स उभरती हैं, बहुत सारे सीरीज़ होती हैं वाटर वेव्स की, वो उभरती हैं जिससे कि बहुत सारे वॉल्यूम ऑफ वाटर का डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट मींस वो जो तट है वहाँ तक आती हैं वो लहरें, और इससे बहुत सारी हानि भी होती है। इफ़ेक्ट्स में हम बताएंगे कि किस तरह का नुकसान होता है, सबको पता भी है, लेकिन आंसर राइटिंग में आपको पॉइंटर्स ज़रूरी चाहिए होते हैं तो उस हिसाब से मैं आपको करवाऊंगी। तो सुनामी की डेफिनेशन हम कह सकते हैं इज़ अ सीरीज ऑफ ह्यूज वेव्स दैट हैपन आफ्टर एन अंडरसी डिस्टर्बेंस सच एज एन अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन। सुनामी इज फॉर्म फ्रॉम द जापानीज वर्ड हार्बर वेव। तो हम देख रहे हैं कि जो ह्यूज वेव्स होती हैं, बड़ी बड़ी जो लहरें होती हैं, उनसे जो अंडरसी डिस्टर्बेंस के द्वारा ये प्रोसेस होता है, और ये अंडरसी डिस्टर्बेंस यानी कि सी के नीचे सतह पर जो डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से ये जो वेव्स हैं वो ऊपर की तरफ आती हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, ऊपर जाती हैं या नीचे जाती हैं कुछ भी हो सकता है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को सुनामी कहते हैं। और ये सुनामी के रीजंस हैं सच एज अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन। हम और भी रीजंस की बात करेंगे, तो अर्थक्वेक और वॉल्केनो इरप्शन इज द मेन कॉज ऑफ सुनामी, दीज आर द मेन कॉज। बट हम आगे भी देखेंगे कि और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं सुनामी की। तो जब अब डेफिनेशन की बात है या सुनामी पे कोई भी क्वेश्चन आए तो इंट्रोडक्शन में आप सुनामी के वर्ड को डिफाइन करेंगे कि सुनामी सू टी एस यू जिसका मतलब है हार्बर, और नामी मतलब वेव लहरें, उन दोनों के मिश्रण से बना है और इसको हार्बर वेव भी कहा जाता है। अब सुनामी में सीरीज ऑफ वाटर वेव्स होती हैं जिसका कि डिस्प्लेसमेंट होता है बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, ह्यूज वाटर का डिस्प्लेसमेंट होता है जिससे कि सुनामी आती है। तो हम टाइडल वेव्स को सुनामी नहीं कहते हैं, कई जगह ये
कंफर्म किया गया है कि टाइडल वेव्स जो है, ज्वार भाटा जो जिसे कहते हैं, उनको सुनामी नहीं कहा जाता है, वो नॉर्मल प्रोसेस में आता है। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ सुनामी। तो कॉजेज ऑफ सुनामी में अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स ऑन द सी फ्लोर, सी फ्लोर मतलब कि जो सी की सतह है, समुद्र की सतह है, उस पर जो लैंडस्लाइड्स होती हैं। उसके बाद वोल्केनिक इरप्शन, जो वोल्केनिक इरप्शन सी ओशन पर होता है, सी फ्लोर पर होता है, ओशन पर होता है। मीटियोर्स एंड एस्ट्रॉइड्स एंड एंथ्रोपोजेनिक रीजन, मानव निर्मित जो फैक्टर्स हैं, मानव निर्मित फैक्टर्स हमने भूकंप में भी किए थे, यहाँ भी ये फैक्टर्स सुनामी में भी रीज़न होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सुनामी ये वाला पार्ट जो है वो अर्थक्वेक की वजह से होता है। तो सबसे ज़्यादा सुनामी की जो घटनाएं होती हैं उसका रीज़न सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड्स और ये अदर और अननोन रीजंस, ये 10% और 11% है। तो लैंडस्लाइड्स इज़ आल्सो अ मेन रीज़न फॉर सुनामी। उसके बाद वोल्केनो भी एक रीज़न है, और एटमॉस्फेयर डिस्ट्रप्शन की वजह से भी 2% ऑफ सुनामी एटमॉस्फेयर डिस्ट्रप्शन की वजह से भी आते हैं, एटमॉस्फेयर में कोई चेंजेस होता है उसकी वजह से भी। तो ये सब कॉजेज को हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे कि अर्थक्वेक से सुनामी कैसे आती है। जैसा कि सी फ्लोर के नीचे हम ये सारे रीजंस को जब हम देखेंगे, तो ये सारे रीजंस जो घटनाएं हैं, जो जो चीज़ें हैं, वो होंगी समुद्र सतह के नीचे, तभी सुनामी आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब पहला कॉज और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है सुनामी का अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप से कैसे सुनामी आती है, इसका एक छोटा सा वीडियो है, यहाँ पर आपको इसका लिंक भी दिख रहा है, आप इस लिंक पर जाकर एक पूरा वीडियो 15 मिनट्स का वीडियो है आप देख सकते हैं, पर इंग्लिश में है, तो मैं आपको हिंदी में भी एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी, आप देख सकते हैं वो वीडियो। ये देखिए आप समुद्र में कैसे जो दो प्लेट्स हैं वो जब सबडक्शन होता है, ये जापानीज वर्ड है सुनामी, सुनामी। आप देख रहे हैं जो समुद्र की जो सतह पर जो हवा होती है इस तरह से फ्लो करती है, जैसे इस एनिमेशन में दिखाया गया है। ये जो नीचे जो ये हवा है, ये जो नीचे की हवा है वो ऊपर की सतह पर ही ये गोल गोल राउंड राउंड ऐसे राउंड राउंड सर्कल में ये बहता है पानी, उसकी वेव्स इस तरह से होती है। यानी कि नीचे वाला जो है, नीचे वाला जो पार्ट है वो उसमें कोई हलचल नहीं होती है, तो ये नॉर्मल जो सिस्टम है वेव्स का वो है। अब हम जानेंगे, देखेंगे कि जब सुनामी, ये देखिए ये सुनामी जब अर्थक्वेक आया तो कैसे ये जो वेव्स होंगी, ये जो नीचे के जो सारे जो वेव्स हैं, नीचे तक वेव्स में हलचल होगी, नीचे तक वो, ये देखिए ये नीचे यहाँ तक पूरा पार्ट में ये मूव करेगा, इससे आती है सुनामी। आप देख सकते हैं पिक्चर में, इट्स अ ह्यूज सुनामी ड्यू टू अर्थक्वेक। तो ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप था, आप इसका सोर्स भी देख सकते हैं यहाँ से। तो अर्थक्वेक से कैसे, जब आप देखते हैं कि दो प्लेट्स हैं पृथ्वी के नीचे, जो दो प्लेट्स हैं उनका सबडक्शन होता है, सबडक्शन जब होता है तो ऊपर की जो लहर है उसमें उछाल आता है। अब जब उछाल आता है तो क्या होता है, सुनामी आती है। ठीक है, जब ये उछाल होगा तो वो जो जो नॉर्मल वेव्स जो हैं वो नॉर्मल नहीं रहेंगी, वो अबनॉर्मल हो जाएंगी, और अबनॉर्मल जो स्थिति है वो होती है सुनामी की स्थिति। जब नीचे प्लेट टकराएगी तो एक हलचल होगी, नीचे से ऊपर तक वेव्स में अंतर आएगा, और उस वेव्स में अंतर के वजह से सुनामी आएगी जो कि घातक हो सकती है। अब दूसरा रीज़न हम लैंडस्लाइड्स की बात करेंगे कि लैंडस्लाइड से कैसे सुनामी आ सकती है। ये देखिए पहली पिक्चर में यहाँ पर आपका लैंड है, आप देख सकते हैं ये खिसका है लैंड थोड़ा। अब ये जब लैंड नीचे की तरफ लैंडस्लाइड हुई है, लैंडस्लाइड मतलब लैंड टूट के नीचे गिरी है थोड़ी सी,
तो ये वाली जो स्थिति है वो सीधे थी, लेकिन ये वाली जब लैंड नीचे जाएगी तो पानी उसका और नीचे की तरफ जाएगा, तो ये वाली स्थिति थोड़ी सी नीचे हो गई। अब आप देखते हैं कि अब ये और नीचे गई, जब और नीचे गई तो वेव जो है यहाँ पर खाली जगह मिल गई, यहाँ पर खाली जगह मिलने की वजह से वेव और ऊपर गई, और ऊपर जाने की वजह से जब ये लहर जब ऊपर नीचे जाएगी तो ये लहर इस दिशा में गई। अब क्योंकि यहाँ पर आपका लैंडस्लाइड हुई तो यहाँ का जो पानी था वो ऊपर गया, और उसकी वजह से यहाँ का पानी ऊपर गया और यहाँ का दूसरी दूसरी दिशाओं में चला गया। तो यानी कि सी के नीचे जब लैंडस्लाइड होती है तो वो जो जगह लैंडस्लाइड, ये तो छोटा सा फोटो में दिखाया गया है, लेकिन जब लैंडस्लाइड होती है बड़े स्तर पर होती है, तो बड़े स्तर पर जब लैंडस्लाइड होगी तो वहाँ जो जगह होगी पानी की उसमें अंतर आएगा, और वो जब अंतर आएगा तो एकदम से जो बहाव है उसमें डिफरेंस आएगा। बहाव जो नॉर्मल बहाव था, ये जो नॉर्मल बहाव है उसमें अंतर आएगा, और उसकी वजह से सुनामी की संभावना हो सकती है। तो लैंडस्लाइड के द्वारा इस तरह से सुनामी आती है। नेक्स्ट, वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन जब ज्वालामुखी फटता है तो कैसे सुनामी आती है ये तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जैसे ये ज्वालामुखी अंदर से यहाँ टूटा है, तो ज्वालामुखी के टूटने से जो उसकी डेबरीज होती हैं, जो उसके मटेरियल होता है, जो पहाड़ के टूटने से जैसे लैंडस्लाइड से टूटा, वैसे यहाँ से भी ये टूटा है। अब ये यहाँ टूटा है तो यहाँ गिरा है। जब हम पत्थर किसी नदी में पत्थर फेंकते हैं तो चारों तरफ वो तरंग सी बनती है इस तरह से। तो यही तरंग अब यहाँ से ये टूटा है, जो पहाड़ है वो टूटा है, पत्थर टूटा है, बड़ा लेवल पर होता है सुनामी आने के केस में, तो ये यहाँ का पानी जो है वो डिस्प्लेस हो गया। अब हमने देखा था कि जो वेव्स में है उसमें डिफरेंस आता है सुनामी में, और जो वेव्स के वजह से जो लार्जर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर होता है। अब यहाँ का पानी सारा ऊपर की तरफ चला गया, अभी ऊपर की तरफ चला गया, अगर पास में कोस्ट है, पास में अगर तटीय क्षेत्र है तो फिर सुनामी आना तय है। तो इस तरह से वॉल्केनिक इरप्शन से इस फोटो से भी हम समझ सकते हैं, फर्स्ट में यहाँ से आप देख सकते हैं कि वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है, फिर वॉल्केनो कोलैप्स हुआ, एकदम फटता है जब ज्वालामुखी, वैसी स्थिति। अब उस स्थिति में मैग्मा बॉडी इज अनरूल्ड, अब यहाँ से मैग्मा बॉडी निकलती है, फिर एक ब्लास्ट होता है, एंड देन फास्ट मूविंग डेब्रीज एडवांस क्रैशेस इनटू सी। सॉरी, जो ये डेब्रीज हैं, यहाँ से टूटी हुई जो डेब्रीज हैं वो जाएंगी सी में। अब सी में जाएगी तो सुनामी फॉर्म होगी, और वाटर ट्रेवल्स आउट टू डिस्टेंस कोस्ट लाइन। अब जो वाटर वेव्स हैं, वेव्स जो हैं वो ट्रेवल करेंगी कोस्ट लाइन पर, जो पास का कोस्ट लाइन, डिस्टेंट कोस्ट लाइन जो भी होगा, ये पानी वहाँ पर ट्रेवल करेगा। तो इस तरह से वॉल्केनिक इरप्शन से भी सुनामी का खतरा होता है। ये वॉल्केनिक इरप्शन सी के नीचे समुद्री तट पर, समुद्री तट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और सी के नीचे ये वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। तो जितना भी अर्थक्वेक हमने देखा, हमने भूकंप देखा, हमने देखा लैंडस्लाइड्स, हमने देखा वॉल्केनिक इरप्शन, ये सारे समुद्रीय सतह पर होते हैं, समुद्री सतह के नीचे। नेक्स्ट, मीटियोर्स एंड एस्ट्रॉइड्स। जो मीटियोर्स अगर एस्ट्रॉइड्स ये अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं, पृथ्वी की तरफ गिरते हैं, ये बहुत ही रेयर केस होता है, पर जब अगर ये केस हो तो आप देख सकते हैं, अगर कोई बड़ा सा पत्थर अगर पानी में फेंकते हैं तो वही तरंगों की स्थिति बनती है। अब ये तरंगें बनेंगी तो यहाँ से वेव्स ऊँची हो जाएगी, यहाँ से और यहाँ से ऊँची हो जाएंगी, और इस तरह से ये डेंजर जोन, कोस्टल डेंजर जोन हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे मीटियोर्स, एस्ट्रॉइड्स के पानी में गिरने से, सी में गिरने से सुनामी कैसे आती है, इस कैसे आएगी। ये भारी जो मीटियोर्स से बहुत भारी होते हैं, ये जब पानी में गिरेंगे तो इनकी वजह से जो वेव्स, वाटर वेव्स बनेंगी, और ये वाटर वेव्स पानी को डिस्प्लेस कर देंगी, डिस्प्लेस मतलब उनकी एक स्थिति जो है उससे दूसरी स्थिति तक पहुंचा देंगी। अब ये डिस्प्लेसमेंट की वजह से सुनामी का खतरा बढ़ जाता है और सुनामी आना तय होता है। तो अभी हमने कॉजेज देख लिए, जो कॉजेज थे ये नेचुरल कॉजेज थे। अब एक
हम कह सकते हैं एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। ये एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज जो होते हैं वो मानव निर्मित कॉजेज होते हैं, मानव निर्मित कारण होते हैं सुनामी के। तो पहला है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। पहला है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। जब समुद्र की सतह पर बहुत तेज़ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो पानी का डिस्प्लेसमेंट होता ही है, वेव्स में अंतर आता ही है, जिस वजह से सुनामी का खतरा बढ़ जाता है। अब सुनामी आ गई या नहीं भी है, पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं सुनामी के, उनको समझने के लिए जो सिटीजन्स हैं उनको अवेयर होना ज़रूरी है, उनको लिटरेट होना ज़रूरी है और केयरफुल रहना ज़रूरी है। तो अगर जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, वो इग्नोरेंट हैं, मेनली मछुआरों की बात कर रहे हैं हम, या फिर जो गांव में रहने वाले जो सी कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं लोग, अगर वो इग्नोरेंट हैं, अनअवेयर हैं, इलिटरेट हैं या केयरलेस हैं, तो जो सुनामी का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डिवेस्टेटिंग, बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस रहेगा। तो एंथ्रोपोजेनिक रीज़न में इग्नोरेंट, अनअवेयरनेस, इलिटरेसी एंड केयरलेसनेस भी एक रीज़न है। तो ये भी समझना होगा कि कैसे इससे इसको ख़त्म किया जा सकता है, इग्नोरेंट को ख़त्म, इग्नोरेंसी को कैसे ख़त्म किया, अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है, लिटरेसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, और केयरलेस कैसे, केयरलेसनेस को हटा के केयरफुल बनाना होगा लोगों को। इसके लिए ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत होगी। हम आगे देखेंगे कैसे मैनेज करना है इस डिज़ास्टर को, उसमें हम ट्रेनिंग वर्कशॉप्स की बात करेंगे। तो ये आगे का, जैसे हमने अर्थक्वेक और भूकंप में देखा था। तो ये हो गया कॉजेस। अब हम जान लेते हैं कि डेंजर जोन्स क्या हैं सुनामी आने के। हम सब जानते हैं कि से एरियाज़ में सुनामी आती है, सबसे हाईएस्ट रिस्क ही एरिया, ये एरिया जो रेड जोन में आए। तो ये जो रेड जोन में है, ये आप देख सकते हैं इंडिया पूरा है रेड जोन में। इसके अलावा ये कंट्रीज़ म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, चाइना का ये वाला हिस्सा, रशिया का ईस्टर्न हिस्सा, फिर साउथ कोरिया, जापान, बहुत सुनामी आती है। यहाँ फिलीपींस से सारे कोस्टल एरियाज़ हैं, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनिया, ये सब जो है एरिया वो हाई रिस्क जोन में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये है पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच। हम ये बताना चाहूँगी मैं कि पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन जो एरिया है वो सुनामी के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस जोन माना जाता है, हाईएस्ट रिस्की जोन माना जाता है। तो इसके अराउंड जितनी भी कंट्रीज होंगी वो हायर रिस्क पर होंगी। आप इस तरफ भी देख सकते हैं, ये पैसिफिक पोर्शन है, तो यूएसए का वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, कनाडा, देन मेक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, चिले, तो ये सारा एरिया जो है वो सुनामी के लिए हाईएस्ट रिस्की एरिया है। अब नेक्स्ट है जो ऑरेंज वाला है, मीडियम रिस्क। तो उसके आसपास जो एरिया है वो मीडियम रिस्क एरिया है। ये देखिए, ये सब जो है हाईएस्ट जो रिस्की एरिया है उसके आसपास का एरिया, तो ये मीडियम रिस्क एरिया माना जाता है। फिर लो रिस्क, ये येलो वाला पार्ट, और जो ये ग्रे वाला पार्ट है वो ये वाला जो लैंड एरिया है ऑलमोस्ट, और ये अटलांटिक ओशन वाला जो पार्ट है वो भी कम रिस्की माना जाता है, वेरी लो रिस्क। तो आप देख सकते हैं, आपको रेड एरिया याद रखना है क्योंकि ये हाईएस्ट रिस्क एरिया है और इंडिया इस रेड जोन में आता है, हाईएस्ट रिस्की जोन में आता है। तो सुनामी थ्रेट जोन्स को आप देख लीजिए, इस मैप को बार बार देखिए, समझिए कि कहाँ कहाँ सुनामी है। आप ये भी देखेंगे कि जहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक है, जहाँ पर प्लेट्स का टकराव होता है, जो मैंने पहले भी अर्थक्वेक वाले चैप्टर में बताया था कि जहाँ जहाँ प्लेट्स का सबडक्शन होता है वहाँ वहाँ अर्थक्वेक आते हैं, और अर्थक्वेक से फिर सुनामी आती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो भूकंप है, जो अर्थक्वेक है, वो मेन रीज़न है सुनामी का। तो मेन रीज़न होने की वजह से जब भी जहाँ भी अर्थक्वेक आते हैं वहाँ पर सुनामी की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो ये आपका डेंजर जोन अर्थक्वेक प्लस सुनामी थ्रेट जोन्स भी आ गया। तो आपको अगर हिंदी में, आप कहते हैं कि हिंदी में आपको मटेरियल चाहिए, तो आप एक यूट्यूब वीडियो है सुनामी हिंदी डॉक्यूमेंट्री, ये आई थिंक डिस्कवरी का है, आप चेक कर सकते हैं इस लिंक पर जाकर, या आप अगर यूट्यूब पे भी सीधा ये लिख देंगे
सुनामी हिंदी डॉक्यूमेंट्री तो भी आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको सीधा लिखने पे नहीं आ रहा है यूट्यूब में, तो आप ये लिंक पर जा सकते हैं। ये हिंदी में डॉक्यूमेंट्री है, तो आप इसको 15 मिनट्स की ये डॉक्यूमेंट्री है, ये आप देख सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा सुनामी के बारे में। और इंग्लिश में देखना है तो जो मैंने आपको दिखाया है वीडियो, उसी को आप पूरा देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है, एनिमेटेड वीडियो है, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी होगी सुनामी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इफ़ेक्ट्स को देखेंगे और उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट और कोर्स ऑफ सुनामी भी देखेंगे, कैसे लहर ऊपर जाती है और कैसे जो तटीय एरिया है वहाँ से पानी पीछे की तरफ खींचता है और फिर ये अलर्ट जारी किया जाता है। सुनामी वार्निंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अब अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, और नहीं भी लग रहा है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम अपने स्ट्रैटेजी में थोड़ा सुधार लाने की कोशिश करें। मैं कोशिश करती हूँ आपको ज़्यादा रिसोर्सेज दिखाने की। रट्टू तोता बनाना मेरा मकसद नहीं है, स्पून फीडिंग नहीं करवाना चाहती। I want you to understand the subject matter and then write in your own language. अपनी भाषा में लिखिए, एग्जामिनर को वही पसंद आता है जो आप अपनी भाषा में लिखते हैं, और प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। जैसे जैसे ये आप लेक्चर देखते जा रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए लिखने की, ताकि आपको भी आइडिया हो कि आप कहाँ पर स्टे कर रहे हैं और आपको कितना आगे जाना है। आप अपने खुद के ज़िम्मेदार आप खुद हैं, आप अपने जितने रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप अपनी एनालाइज कर सकते हैं अपने आप को, कोई और नहीं कर सकता। अगर आप आज कोई आंसर लिखते हैं, आप कल उसको पढ़िए, परसों उसको पढ़िए, आपको खुद ही उसमें जो भी पॉइंट्स हैं नज़र आएंगे कि क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या इसमें और ऐड किया जा सकता है। तो आप अपने सेल्फ एनालाइज करना सीखिए। जैसे मैंने आपको मोटिवेशनल वीडियोस में भी बताया था कि सेल्फ एनालाइज करना, जर्नलिंग करना ज़रूरी है। तो लिख कर देखिए जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं, चाहे वो एथिक्स का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, तो आप लिख कर खुद देखिए और ख़ुद को ऑब्ज़र्व कीजिए, एनालाइज करिए। बाकी हम हैं आपके साथ, अगर आपको कोई भी सुझाव चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए सक्सेस मंच। See you soon. Thank you.